कि हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, चौक चौराहे पे अपनी चर्चा चर्चा के माध्यम से, लोगों को बातचीत के माध्यम से लोगों को बताएं। वोट प्रतिशत कम होने का मेन कारण रीजन क्या है सकता है सर आपको लग रहा है? हमें तो बस एक ही लगता है जागरूक, और दूसरा मैंने माननीय चुनाव आयोग से भी एक सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जैसे जो युवा है जो चल सकते हैं वो तो बूथ तक के पहुंच जाते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए खास वॉलंटियर की व्यवस्था किया जाए, उसका काम ये रहेगा कि वो उनके घर से जो है और बूथ तक पहुंचाए, मतदान केंद्र तक, और मतदान करा करके पुनः उनको घर तक छोड़ दे। नमस्कार, आप देख रहे एसआर न्यूज, मैरिज वी। मैं अभी मौजूद हूं आम वोटर परिषद। आम वोटर ये नाम ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है। आम वोटर मतलब आम लोगों का वोट, जो चुनाव देते हैं उसको कहा जाता है आम वोटर का ये हक। वही है आम वोटर परिषद के पास हम आप पहुंचे हैं। संतोष कुमार उनके डायरेक्टर हैं, उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। ये नाम रखने का जो मकसद है क्या है और लोगों तक जागरूक कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा ही मुद्दा है। इसलिए वोटर लोग कहीं ना कहीं वोट के टाइम में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं सर, कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। उसको इतना जो नाम रखने का इसके पीछे रीजन क्या है वो आप बताएं सर। जी सर, आम वोटर परिषद जो है बनाने के पीछे जो खास वजह है, आप चाय पीते पीते बता सकते हैं और मजा आएगा। वोट के वोटरों को जागरूक करना, वोटरों को जागरूक करने इन द सेंस जो है वोट के परसेंटाइल को बढ़ाना। बिल्कुल, जहाँ पे 40% वोट पोल हो रहा है वहाँ पे हम 50% करना चाहते हैं, जहाँ पे 50 हो रहा है वहाँ पे 60 करना चाहते हैं, जहाँ 60 हो रहा है वहाँ पे 70 करना चाहते हैं। इसके लिए कई तरीके से हम लोग कार्य को कर रहे हैं, वोटर को जो है जागरूक करने के लिए संपूर्ण भारत में वोटर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जी, वोटर जागरूकता अभियान जो है इसके और भी कई तरीके हैं, जैसे हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जनसभा के माध्यम से भी कर रहे हैं। इसके लिए कला संस्कृति के माध्यम से भी वोटरों को जागरूक कर रहे हैं। तो कई तरीके हैं वोटर को जागरूक, वोटर जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग भी लगातार इस पर फोकस करता है। वो टीवी के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो, किसी तरह से प्रचार प्रसार करके कि लोग जो आप जिस जो आप बता रहे हैं वो चुनाव आयोग भी चाहता है कि वोटर प्रतिशत वोट के प्रतिशत है वो बढ़े। अभी भी एक मीटिंग हुई थी, वहां हम भी गए थे, वहां भी चुनाव आयोग के जो बिहार के प्रभारी उन्होंने कहा था कि वोट का यहाँ प्रतिशत सबसे कम है पटना में और सबके बनिस्पत, ऐसा क्यों सर? लोग जागरूक नहीं है, सीधी सी बात है, लोग जागरूक नहीं है और लोग को वोट के प्रति जो वोट की महत्ता को, वोट की वैल्यू को, वोट की कीमत को मतलब एक अहमियत नहीं दे पाते हैं उतना। जिस तरीके से मैंने तो इसके पहले मैंने एक इसी में कहा भी था कि भाई जिस तरीके से लोग होली और दिवाली मनाते हैं, ईद बकरीद मनाते हैं, जिस तरीके से इसे एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए और जितनी वैल्यू और महत्ता जो है इस पर्व को देते हैं उतना ही वैल्यू इस वोट के टाइम में देना चाहिए, वोट को भी देना चाहिए और इसे कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ और जज्बा और जुनून के साथ वोट देने का काम करना चाहिए। वोटर लोगों को कैसे आप लोग जागरूक कर रहे हैं, कहाँ तक आप लोग पहुँच पाए हैं? पूरे बिहार जिला में कार्य हो रहा है आपका, इसी से पटना जिला में कार्य हो रहा है, और कैसे इसको मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को सर? देखिए, हम लोग जो है एक हमारा जो है शिविर के माध्यम से भी जो है लोगों को कर रहे हैं, कुछ चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं, कुछ जो है हम लोग नुक्कड़ सभा कर करके भी कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को वोट देने के प्रति हम लोग जो है जागरूक कर रहे हैं। वोट देना बहुत जरूरी है, उसी के लिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर, कैसे वहां तक पहुंचे ये आप बताएं, तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाएं, या मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से कैसे पहुंचाना चाहेंगे वो बताएं। मैं तो इसके लिए तो वही सोशल मीडिया ही आज के समय में सबसे बेहतर और अच्छा माध्यम साधन है और माध्यम, तो उसके माध्यम से ही हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, चौक चौराहे पे अपनी चर्चा प्रचर्चा के माध्यम से, लोगों को बातचीत के माध्यम से लोगों को बताएं। वोट प्रतिशत कम होने का मेन कारण रीजन क्या हो सकता है सर आपको लग रहा है? हमें तो बस एक ही लगता है, जागरूकता की कमी। हमको तो ये लगता है कि यहाँ पे वोट का जो भी है, बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है सर कि यहाँ है ही नहीं, वोट क्यों डालेंगे?
बिल्कुल इसका भी पड़ता है। और दूसरा मैंने माननीय चुनाव आयोग से भी एक सुझाव के तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे जो युवा हैं जो चल सकते हैं वो तो बूथ तक के पहुंच जाते हैं और मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं जो सीनियर सिटीजन हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कुछ खास वॉलेंटियर की व्यवस्था किया जाए, उसका काम ये रहेगा कि वो उनके घर से जो है उठाकर और बूथ तक पहुंचाए, मतदान केंद्र तक मतदान करा करके पुनः उनको घर तक छोड़ देगा। तो इस टाइप से अगर संभव हो तो कुछ वाहन का भी व्यवस्था किया जाए, इससे बूथ परसेंटाइल को बढ़ाया जाए। अभी तो देखा जा रहा है चुनाव आयोग ने बूथ का पिंक के ब्लू है मतदान केंद्र, ये अब तो पहले से व्यवस्था बहुत बेहतर लग रहा है सर। अब तो वोटिंग जो होता है तो लगता है कि अब हो रहा है कुछ, सब तरह सिक्योरिटी टाइट है हर चीज का है, मतलब पहले से आपको लग रहा है बेहतर हो रहा है? बेहतर तो हो रहा है नो डाउट इसमें, बट जितनी तेजी से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है फिलहाल, उसके लिए थोड़ा सा और जागरूक होने की जरूरत है। और भी कोई कार्य हो रहा है आपका आम वोटर परिषद के द्वारा या सिर्फ यही वोटर ही को फोकस कर रहे हैं? इसके अलावा हमारा एक फाउंडेशन भी चलता है, बर्मन वर्ल्ड फाउंडेशन चलता है, इसमें सोशल वर्क होता है। वो क्या कार्य कर रही है सर? जरूरतमंदों को, गरीबों को और बेसहाय लोगों को और बेबस लोगों को मदद करती है। किस तरह का मदद आप लोग पहुंचा रहे हैं? तो कई प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के जिसका जो है हम लोगों ने लॉन्च भी किया है और उस पर काम कर रहे हैं। तो कई स्टेट में काम चल रहा है हमारा, इसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड काम, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इस टाइप के प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्रोजेक्ट। कोई अभी इस तरह का और भी आगे क्या आपका योजना है? और यहाँ पे पटना खास के अब तो इलेक्शन का टाइम भी नजदीक आ रहा सर, आप आम वोटर परिषद की तरफ से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अब इलेक्शन भी कम है 24 का। देखिए आम वोटर परिषद की तरफ से तो हम यही कहना चाहेंगे भाई, लोग अधिक से अधिक जागरूक रहें वोट के प्रति और अधिक से अधिक संख्या में बूथ तक पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके लिए मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूं कि इसको एक पर्व के रूप में मनाएं और अपने अहमियत समय को निकाल करके और बूथ तक पहुंचे और वोट देने का काम। मेरे साथ मौजूद थे आम वोटर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जी। उन्होंने कहा कि जो वोट का दिन आता है उसको एक पर्व की तरह मना